हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और हेल्दी रेसिपी, गिलोई टी या काढ़ा, जिसे बनाना तो आसान है ही, इसकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है और ये टेस्ट में बिल्कुल भी कड़वा या कसैला नहीं है। इसे बच्चे बड़े हर कोई पी सकता है और इसको पीने से कई बीमारियों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। स्पेशली इससे हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो इसके लिए मैंने लिया है गिलोई। गिलोई इस तरीके से होती है, इसके पत्ते पान के पत्ते जैसे होते हैं और हमें इसकी डंठल को यूज़ करना है, स्टेम्स को यूज़ करना है। इस तरीके से काट के हम इसका यूज़ करेंगे। हो सके तो इस तरीके से जो मोटे टहनियाँ हैं हमें उनका यूज़ करना है। अगर आपको इस तरीके से नहीं मिल रही हैं तो आप जो पतले हैं, आपके पास जो अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कर लेना। तो अभी मैंने गिलोई को इस तरीके से काट लिया है। काटने के बाद अभी मैंने और कुछ चीज़ें ली है, उसमें से ये है अदरक, आधा इंच का टुकड़ा है। ये हल्दी है, ये फ्रेश हल्दी है। अगर आपको फ्रेश हल्दी नहीं मिलती है तो आप जो नॉर्मल हल्दी पाउडर है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पुदीना है और कुछ तुलसी के पत्ते हैं। अगर आपको पुदीना नहीं भी मिलता है तो आप तुलसी को स्किप मत करना। उसके अलावा 4 लौंग, 4 काली मिर्च और 1 दालचीनी का टुकड़ा और हनी। उसके अलावा पानी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बर्तन, इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो मैं 2 कप गिलोई काढ़ा बना रही हूँ तो मैं 4 कप पानी यूज़ करूँगी। आपको जितना बनाना है, मतलब अगर आपको 1 कप बनाना है तो आप 2 कप पानी लेना। तो यहाँ पे मैं 2 कप बना रही हूँ इसलिए मैंने 4 कप पानी का यूज़ किया है। अब पानी लेकर इसे मैं गैस के ऊपर रख रही हूँ बॉईल होने के लिए। अब यहाँ पे मैं स्टोन हैंड ग्राइंडर का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो भी कूटने का साधन है उसका यूज़ कर लेना। अब मैं इसमें डाल रही हूँ गिलोई को। गिलोई को डाल के हल्का सा हम क्रश कर लेंगे, बट इसको मिक्सी में डाल के नहीं ग्राइंड करना, क्योंकि अगर आप मिक्सी में डालोगे तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, लसैला हो जाएगा। इसलिए बस इस तरीके से हमें हल्का सा क्रश करना है। अब मैंने इसको क्रश कर लिया, मैं इसको डालूंगी पानी में। यहाँ पे मैं 2 कप काढ़ा बना रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने गिलोई यूज़ किया है। आपको जितना बनाना है उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 4 लौंग, 4 काली मिर्च और दालचीनी का टुकड़ा डालकर इसको भी मैं हल्का कूट लूँगी। अगर आपके पास फ्रेश गिलोई नहीं है तो आप मार्केट में जो गिलोई पाउडर मिलता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसको कूट लिया है, अब मैं इसको निकाल कर इसको भी डाल रही हूँ सेम उसी पानी में डालकर। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते कंपलसरी है, तुलसी के पत्ते को स्किप नहीं करना है। वैसे तो तुलसी के पत्ते इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पुदीना। अगर आपके पास पुदीना नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। अब अदरक को मैंने कूट के डाल दिया है। उसके बाद यह है फ्रेश हल्दी, इसको मैं खिस के डाल रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश हल्दी नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। स्लो कर धीमी आंच पे इसे मैं आधा होते तक पका रही हूँ। अब आप देख सकते हैं ये एकदम आधा हो गया है, 2 कप हो गया है। मैंने 4 कप पानी रखा था, अब ये उबल के 2 कप हो गया है। मतलब हमारा काढ़ा बन के रेडी है। आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों का रस अच्छे से काढ़े में आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। ऑफ करके अब मैं इसको निकाल रही हूँ कप में। यहाँ पे मैं छान के डाल रही हूँ। ये काढ़ा आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी पी सकते हो, बट अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वो ऐसे नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें 1 स्पून हनी डालना। अगर आप हनी नहीं डालना चाहते हैं तो आप गुड़ भी डाल सकते हैं, बट शक्कर नहीं यूज़ करना, या तो गुड़ या तो हनी। ये काढ़ा हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, जिससे कि हमारा वेट लूज होने में भी मदद करता है। साथ ही इससे हमारी आंखों की रोशनी अच्छी रहती है, फीवर में भी ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इसका टेस्ट भी उतना बुरा नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करके मैं इसे कर रही हूँ सर्व। आप चाहो तो गिलोई का जूस बनाकर भी यूज़ कर सकते हैं, बट गिलोई के जूस के कंपेरिजन में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आप भी ये काढ़ा ज़रूर बनाइए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।